और इस बीच एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, दरअसल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी चिंता जाहिर कर रही है। आतिशी जो कि उनकी सरकार में मंत्री हैं, कल रात भी उन्हें आप सुन रहे थे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो लगातार मीडिया को अपडेट दे रही थी, उन्हें संबोधित कर रही थी। अब केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्हें यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है, वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल, तो सुरक्षा तो वहां पर पूरी है, लेकिन अगर वो कह रही हैं आतिशी, तो इसके पीछे की वजह क्या है इसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मामला जो ये पूरा है ये ज्यादा राजनीतिक ही नजर आ रहा है दोनों तरफ से अगर आप देखें तो। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, ये समझूंगा कि आखिर इसके पीछे की जो राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तस्वीर तो अभिषेक बड़ी साफ नजर आती है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी ईमानदारी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करप्शन के मामले में ईडी की वो गिरफ्त में है, आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए उसके पहले अखिलेश मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए आम आदमी पार्टी के समर्थक ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने और यहाँ लगातार ये नारे लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यालय और ये कुछ समर्थक हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ओर से रास्ता ब्लॉक है। और उसके बाद कैसे यहाँ तक कैसे आए आप लोग, तो ब्लॉक हम चारों तरफ से, जहाँ कोई गली दिखी उस गली में से होके आ गए। और भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, और भी आम आदमी कार्यकर्ता कोई भी यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे, चारों ओर से ब्लॉक जी। हमें कितना भी आप रोक लो हम नहीं रुकेंगे, हम आएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का है प्रोग्राम आज, यहाँ से चलेंगे बीजेपी की ओर। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी की दफ्तर की ओर प्रदर्शन करेंगे, दफ्तर घेराई करेंगे। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, अभी आ रहे हैं। पूरा का पूरा चारों तरफ से छावनी में बदल दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उसके बाद भी इकट्ठा यहाँ हो जाएंगे, आतंकवादी नहीं है हम लोग, आम आदमी समर्थक। आप आएंगे यहाँ पर, आप समर्थक में ये आम पब्लिक आई हुई है। तो ये देखिए अखिलेश, ये तस्वीर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि चारों ओर से ब्लॉक है, इसके बाद भी ये समर्थक है यहाँ पर पहुंचे और उनका कहना यहाँ पर और आएंगे। देखिए आप जो पॉलिटिकली पूछ रहे थे, आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करेगी और कांग्रेस भी कि इस मुद्दे को सेंटिमेंटल लेवल पर लाया जाए, सेंटिमेंट्स इससे उभारे जाए, आम जनता को ये बताया जाए कि विंडेटिव पॉलिटिक्स है। और कांग्रेस पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। राहुल गांधी का आप ट्वीट देखिए, प्रियंका गांधी का आप ट्वीट देखिए, लेकिन देखने वाली बात ये होगी अखिलेश कि 24 घंटे के बाद क्या होता है, ये कितना सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि ये जो विरोध है अभी टाइम है, दिल्ली में जो चुनाव है उसमें काफी टाइम है, कितना सस्टेन कर पाते हैं। और इससे करप्शन बनाम विंडिटिव पॉलिटिक्स, ये जो दो अलग अलग छोर हैं, इन छोरों पर किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से प्ले कर पाते हैं, बहुत कुछ इसमें डिपेंड करेगा। और इस बीच में देखिए यहाँ पर लगातार ये लोग देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे, कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप। ये गीत पहले से तैयार किया हुआ था क्या? नहीं, आज लिख के लाए, तुरंत लिख लिया है। तुरंत लिख लिया है। हम आम आदमी पार्टी के कवि शहनाज हिंदुस्तानी। शहनाज जी कवि हैं जी। गिरफ्तारी के लिए भी गीत तैयार है? गिरफ्तारी के लिए तैयार हम ये कह रहे हैं, एक नहीं चाहे सो अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे केजरीवाल बन जाएंगे, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। बीजेपी वाले भी अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, आप तो ये बात कह रहे हैं, आप कवि हैं, कवि हृदय हैं आप, और एकदम कवि स्टाइल में आप खड़े भी हैं। ये जो कहा जा रहा है कि करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल, जो ये बीजेपी लॉजिक दे रही है, इसका क्या असर पड़ेगा आम जनता पर? जनता पर ये असर पड़ने वाला है कि देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। यस, देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। और कौन से मोदी जी, आप गुलकर भी कोई कविता लिखे क्या? देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया और कौन से मोदी जी, आप गुल खिलाओगे? ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो आप किस तरकीब से डराओगे। ये कवि है यहाँ पर अखिलेश, और लगातार ये कविता पढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये, जब यहाँ से लोग बढ़ेंगे बीजेपी दफ्तर की ओर, उस समय की सिचुएशन क्या होगी वो देखने वाली होगी। पुलिस यहाँ चप्पे चप्पे पर तैनात है, पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इस मामले को हम फिर दोबारा चलेंगे, क्या कुछ चल रहा है हम जानेंगे। लेकिन जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार, वो भी देखना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बहुत नजदीक है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल पर वो हमला कर रहे हैं, जरा सुनिए आप। साथ में बीजेपी के सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे इस बार, कह रहे हैं चुनाव आ गया तो ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया। गिरफ्तार तो उन्हें आज से 1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन
थोड़ा देर हुआ, दिल्ली की जनता गली गली से पटाखे बजा रही है, खुशियां व्यक्त कर रही है, क्योंकि जो विश्वासघात और धोखा हुआ है दिल्ली के साथ, जो लूट हुई है दिल्ली के खजाने की, उससे पूरी दिल्ली स्तब्ध है। ABP News आपको रखे आगे।